हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज को उर्दू या फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो गाइस, इस एप्लीकेशन का नेम है गूगल ट्रांसलेटर। ये आप लोगों को प्ले स्टोर से बहुत ईजिली मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो वहाँ से जाकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। थोड़ी शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आप लोगों ने इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेनिश, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो पहली एग्जांपल तो मैं आप लोगों को दूंगा, इंग्लिश को हम लोग उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। तो आप लोगों ने स्पेनिश पे क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों ने उर्दू पे क्लिक कर देना है। उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आप लोगों ने और यहाँ पर इंग्लिश में कुछ भी लिख दें। मैं लिख देता हूँ व्हाट, इसका मतलब है क्या। तो इसने मुझे इसका मतलब बता दिया उर्दू में। और अगर आप चाहें तो यहाँ से उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, या फिर कोई और लैंग्वेज चाहें तो कर सकते हैं सेलेक्ट। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या। तो नीचे लिखा हुआ है व्हाट, यहाँ पर देखें। तो इस तरह आप लोग इस एप्लीकेशन की मदद से इंग्लिश लैंग्वेज को उर्दू में या फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कैसे लगे आपको हमारी आज की वीडियो, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।